कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप से बन सकते हैं। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट एकदम एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट का मतलब है कि अनसर्टेन, वो किसी और कंडीशन या किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड नहीं होता। जैसे ए ने बी को गुड्स देने हैं और बी ने इन रिटर्न उसको मनी देना है, ठीक है, मनी देना है, तो ये एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ए बी को गुड्स देगा और बी उसके रिटर्न में मनी देगा। एक हमारे पास वर्ड आता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी होती है कि कोई और एग्रीमेंट, मतलब एक कंडीशन होता है कि अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हुआ तब हमारा जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल होगा। समझते हैं इस बात को। सेक्शन 31 एक्ट का ये डिफाइन करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उसके साथ में कनेक्टेड एक और कॉन्ट्रैक्ट है जो कोई कोलैटरल है, ठीक है, टू सच कॉन्ट्रैक्ट, कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंश्योरेंस का। अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है और बी कस्टमर है, तो ए बोलता है बी को कि अगर आपके, तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि है इंश्योरेंस का, ठीक है, एक कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी है। कोलैटरल इवेंट क्या है ये? कोलैटरल ये इवेंट ये है कि अगर आपका हाउस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय फायर, ठीक है, अगर आपका हाउस डिस्ट्रॉय बाय फायर हुआ तब आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसके कोलैटरल इवेंट क्या है? हाउस का जलना, अगर वो डिस्ट्रॉय होता है बाय फायर तब आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के कई एसेंशियल्स हैं जो कि अगर प्रेजेंट होंगे तभी हम एक कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। पहला एसेंशियल ये है कि जो भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उस बेस पे बनेगा। सो बेसिकली इट इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपन और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। उसके हैपन या ना हैपन होने से ये जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो उस पर डिपेंड होना चाहिए। पहला एसेंशियल ये है। दूसरा एसेंशियल ये है कि जो भी इवेंट होगा वो कोलैटरल इवेंट होना चाहिए, मतलब कोलैटरल होना चाहिए किससे? टू द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल से समझते हैं। ए ने बी को बोला कि मैं आपको गुड्स दूंगा, ठीक है, वीट दूंगा, और बी ने बोला कि जब मुझे वीट मिल जाएगा तब मैं आपको पैसे दूंगी, ठीक है। ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें 1 लाख रुपीज तब मिलेंगे ए को जब बी के पास वीट पहुंच जाएगा। इन कॉन्ट्रैक्ट को हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते, ठीक है, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉमिस है या जो कंसिडरेशन है वही कोलैटरल नहीं हो सकती, हम उसी को कंटिंजेंट या कोलैटरल नहीं बोल सकते, ठीक है। ऐसे कंडीशंस कंडीशनल होते हैं। या फिर एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ए ने बी को बोला कि मैं आपको 10 लाख रुपीज दूंगा अगर आपने सी से शादी की। तो इस केस में भी अगर आप बोलो कि यहां तो एक और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये क्यों नहीं कंटिंजेंट है, ऐसे कंडीशंस में ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। जिस इवेंट पे भी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट बनाया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन या प्रॉमिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉमिस, क्योंकि यहाँ प्रॉमिस हो रहा है कि आप बी और सी की शादी, बी को बी और ए के बीच में क्या प्रॉमिस हो रहा है कि बी और सी की शादी होगी तब उसको पैसा मिलेगा, तो यहाँ कोई प्रॉमिस या फिर कोई कंसिडरेशन दोनों ही कंटिंजेंट नहीं मान सकते। थर्ड है, द कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। यहाँ पर वो ये बोलना चाह रहा है कि सिर्फ प्रोमिसर की विल पर हम उसको कंटिंजेंट इवेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे अगर ए प्रोमिस कर रहा है बी को कि वो उसको 10,000 रुपीज देगा अगर वो चाहे तो, अगर उसकी विल है तो ही वो देगा, तो विल पर, कोई प्रोमिसर की विल पर हम उसको एक कंटिंजेंट इवेंट नहीं बोल सकते। अब हम पढ़ रहे हैं रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या क्या रूल्स हैं कि अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना चाहिए। सबसे पहला है कि जो भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो एनफोर्स नहीं हो सकते बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड। इसका मतलब है कि जो भी अनसर्टेन इवेंट है, जो भी होने वाला है,
अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड माना जाएगा, क्योंकि वो उसी के कोलैटरल था। अगर अब वो ही नहीं हो रहा तो जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी वॉइड हो जाएगा। सेकेंड है कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर डज नॉट हैपन कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल एंड नॉट बिफोर। इसका मतलब यह है कि जो कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड है किसी अनसर्टेन फ्यूचर पे, कोलैटरल पे। अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए तब भी कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए ने बी को बोला कि जो आपकी शिप है वो इंश्योर्ड है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी शिप वापस नहीं आई तो आपको इंश्योरेंस पैसा मिल जाएगा। तो जब शिप भेजी गई, शिप गॉट संक, ठीक है, अब शिप तो रिटर्न आएगी नहीं, इसका मतलब कि अब बी को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। वन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में ये फर्क है कि यहाँ पर इवेंट जो है वो हैपन हो रहा था, लेकिन सेकंड वाले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी एनफोर्स होगा व्हेन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल एंड इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन। तो यहाँ पर जो अनसर्टेन फ्यूचर है वो हैपन हो रहा है और यहाँ पर अनसर्टेन इवेंट हैपन नहीं हो रहा। समझते हैं इस बात को। जैसे फर्स्ट पॉइंट में क्या है, अगर एग्जाम्पल ले हम कि ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि ए बोल रहा है मैं आपको अपना हॉर्स दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, वो क्या कंडीशन, जो क्या इवेंट को लैटरल है इसके, कि अगर मैंने सी को पूछा और सी ने रिफ्यूज कर दिया लेने से तभी आपको हॉर्स मिलेगा। अब जब तक सी रिफ्यूज नहीं कर देता, अगर वो इवेंट हैपन नहीं होता तब तक बी को वो हॉर्स नहीं मिल सकता, ठीक है। तो वो इवेंट का होना जरूरी है, अगर इवेंट नहीं होता है, अगर इम्पॉसिबल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ये वाला। सेकंड में क्या है कि अगर ए ने बी को इंश्योरेंस क्लेम देना है कि अगर आपका शिप रिटर्न नहीं हुआ तो अनसर्टेन फ्यूचर डज नॉट हैपन, ठीक है, अगर नहीं आई शिप आपकी वापस तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। देन द थर्ड पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम, ठीक है, किसी भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के हैपन होने से, स्पेसिफाइड कोई भी इवेंट है, विद इन अ फिक्स टाइम। फोर्थ पॉइंट भी साथ लेते हैं इसके, क्योंकि दोनों रिलेटेड है। कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, हैपनिंग हो रहा है किसी भी स्पेसिफाइड इवेंट का, यहाँ क्या हो रहा है, नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम। जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें कि ए और बी के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि अगर ए बी को पैसे देगा अगर शिप रिटर्न कर जाती है विद इन वन ईयर, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम है, फिक्स टाइम है कि वन ईयर है, ठीक है, और इवेंट के हैपनिंग होने पर है कि शिप वापस आनी चाहिए विद इन वन ईयर। इसी एग्जाम्पल को अगर हम ले कि ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर शिप नहीं आती है तो नॉट रिटर्निंग, ठीक है, रिटर्न नहीं कर रही है, तब ए बी को इंश्योरेंस क्लेम देगा। तो इवेंट के और ये भी एक स्पेसिफाइड एक फिक्स्ड टाइम के बीच में होना चाहिए। तो नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट है यहाँ पे कि शिप वापस नहीं आएगी, और हैपनिंग इवेंट यहाँ पे क्या है कि शिप वापस आएगी, स्पेसिफाइड और फिक्स टाइम के बीच में। अगर टाइम लैप्स हो जाता है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे विद इन फिक्स टाइम के बीच में होना चाहिए। तो ये था हमारा कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। Thank you.